क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ कि इतनी मेहनत के बावजूद भी हमारी फसलें अच्छी क्यों नहीं होती। अब सारा साल खेतों में हल चलाता हूँ, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता। कभी फसल को कीड़ा खा जाता है तो कभी मौसम मार देता है। कोई खेती बाड़ी को लेकर परेशान है, कोई किसान भाई मधुमक्खी पालन करता है, शहद बेचकर अपना गुजर बसर करता है। अब उसकी समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। ना तो भैंसे दूध सही दे रही हैं और ना ही उनके पालन से जुड़ी कोई जानकारी देने वाला है। कोई तो होगा जिसे वो हम किसानों का कर्णधार बनाकर भेजेगा। वेलकम टू आत्मा। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा आत्मा प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर यूएस ठाकुर जी से और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नीरू शबनम जी से। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आत्मा प्रोजेक्ट प्रदेश के किसानों के हित के लिए खड़ा किया गया है। बापू चलो, तुम्हारी सारी मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी। अरे अच्छा बेटा, लेकिन कहाँ चलूं? आत्मा के पास। अब आपको क्या बताएं? हम किसान लोग सारा दिन धूप में, बारिश में और हर मौसम में खून पसीना एक करके हल जोतते हैं खेतों में, पर फिर भी हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी हर मुसीबत का हल करने के लिए आत्मा आ गई है। ये किसानों की आत्मा है। तू देखना कुंदन लाल, आत्मा के सहयोग से अब प्रदेश का हर किसान खुशहाल बनेगा। सिरमौर की आत्मा ने विश्वास का जब नया सपना दिखाया, 2005 में रूरल डिस्ट्रिक्ट को आराम पहुंचाया। इधर तो पोलोस एजेंसी ने फिर अपना विचार सुनाया, समिति ने बढ़कर आत्मा को पहले कर्णधार बनाया। सब जिलों में डिस्ट्रिक्ट वाइज किसानों को जगाया, सब ने मिलकर फार्मर एडवाइजरी कमेटी को बनाया। हर दो गांव के पीछे एक किसान दोस्त बनाया।